छात्र आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 88 का हल करना। और जैसे कि डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। तो यहाँ पे देखिए, ही सेड आई एट टू मैंगोज, यहाँ पे देखिए ये सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है टेंस में परिवर्तन होता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सेड ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे आई एट टू मैंगोज तो ये भी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू हेल्प्ड मी तो ये भी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि ये जो है पास्ट टेंस से संबंधित है। तो यहाँ पे समझिए, यदि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सिंपल पास्ट हो तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है, ठीक है। ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल पास्ट में हो तो आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो फिर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ही सेड तो सेड के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको जो है सेड को परिवर्तन नहीं करना है। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो आपको जो है सेड को टोल्ड में बदल देना है। तो यहाँ पे देखिए और समझिए, यदि यहाँ पे मान लीजिए वाज वर का प्रयोग हो, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाज या वर का प्रयोग हो, और वो जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना हो तो आपको क्या करना है, वाज और वर को हैड बिन में बदल देना है। हैड बिन किसमें बदलना है, हैड बिन में। और यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुड शुड वुड या फिर माइट हो तो उसको नहीं बदलना है, ठीक है, वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेड आई एट टू मैंगोज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ही, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, और इसके बाद जो है सेड को नहीं बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिखेंगे सेड, ही सेड, और लिखेंगे दैट, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कॉमा इसके बदले दैट का प्रयोग करना है, दैट। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आपको पता है ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पे आई है तो आई यहाँ पे ही में बदल जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। और ये आपको पता है ये कौन सा टेंस है, आई एट टू मैंगोज, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो है हैड का प्रयोग होगा, ही हैड, हैड, और एट को जो है भीतरी में बदलेंगे, ईटेन, ईटेन, ईटेन टू मैंगोज, मैंगोज, इस तरह से बदलना है। अब देखिए, सी सेड टू मी, यू हेल्प मी, यहाँ पे देखिए सी सेड टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, सेड को जो है टोल्ड में बदलना है। तो यहाँ पे लिखिए सी, सी, और लिखिए टोल्ड, टोल्ड, और टू का लोप होता है, सीधा लिखिए मी, मी, और इसके बाद आपको डैट का प्रयोग करना है, डैट, और यहाँ पे यू, यू क्या है, ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि मी है तो यहाँ पे आई आएगा, आई, और ये कौन सा टेंस है, यू हेल्प मी, यानी कि ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। तो लिखिए आई, और लिखिए हैड, आई हैड, और लिखिए हेल्प्ड, हेल्प्ड, और मी, ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि सी है तो हर आएगा, हर, इस तरीके लिए है, इस तरह से। अब देखिए, ही सेड टू हर आई वांटेड टू हेल्प यू, तो यहाँ पे लिखिए ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदलिए, टोल्ड, और टू का लोप कीजिए, और लिखिए हर, हर, और लिखिए दैट, दैट, और ये आई जो है तो ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि ही आएगा, लिखिए ही, और कौन सा टेंस है, आई वांटेड टू हेल्प यू, ये वैसा ही है, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। लिखिए ही, और लिखिए हैड, ही हैड, और लिखिए वांटेड, वांटेड, और लिखिए टू, टू, और लिखिए यहाँ पे हेल्प, हेल्प, और यू क्या है, ये जो है सेकेंड पर्सन है तो ये जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि स्त्री के लिए है तो हर आएगा, हर, हर, इस तरह से। अब देखिए, ही सेड आई वाज अब्सेंट, तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ पे लिखिए ही, और यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे चेंज नहीं कीजिए, ही सेड, ही सेड, और यहाँ पे आपको जो है दैट का प्रयोग करना है, ही सेड दैट, और आई ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो ही, ही, और यहाँ पे देखिए ही वाज अब्सेंट, तो ये जो है ये वाज का प्रयोग है लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, वाज को जो है यहाँ पे हैड बीन लगा देना है वाज के बदले, ठीक है, ही हैड बीन, हैड बीन, ही हैड बीन, और यहाँ पे लिखिए अब्सेंट,
absent. अब देखिए राम said to me, I was your friend. तो यहाँ पे लिखिए राम, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं टू मी ऑब्जेक्ट है, तो आपको जो है सेड को टोल्ड में बदलना है. लिखिए राम टोल्ड, टोल्ड और मी लिखिए मी, और लिखिए दैट दैट, और यहाँ पे देखिए आई वाज योर फ्रेंड. तो ये भी वैसा ही है, वाज है, लेकिन ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो आपको जो है वाज को जो है क्या कर देना है, हैड बीन में बदल देना है. तो आई देखिए, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे ही आएगा राम के लिए. लिखेंगे ही, और लिखेंगे हैड, ही हैड, और लिखेंगे बीन, बीन, और योर ये जो है ये सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट का आंसर होगा. तो मी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ही हैड बीन, और लिखेंगे माई, मी के लिए माई, माई और फ्रेंड, फ्रेंड. अब देखिए द बॉय सेड आई वाज प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द, द बॉय, और यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, देख रहे हैं सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड ही लिखिए, द बॉय सेड, और लिखिए दैट, दैट, और देखिए आई, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट आंसर होगा, तो बॉय के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही, ही, और यहाँ पे देखिए वाज प्लेइंग, ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको बताए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो इसे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है. तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन आएगा, हैड बीन, ठीक है, यहाँ पे वाज जो है वाज के बदले हैड बीन, ही हैड बीन, हैड बीन, बीन, और लिखिए प्लेइंग, प्लेइंग, और लिखिए इन द, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इस तरह से. अब देखिए गोपाल से टू हर आई वाज गोइंग टू यू, तो यहां पर लिखिए गोपाल, गोपाल, और यहां पे देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसे जो है टोल्ड में बदलिए, गोपाल टोल्ड, और लिखिए हर, हर, और लिखिए दैट, दैट, और ये आई है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आंसर होगा, तो गोपाल के लिए ही आएगा, दैट ही, और यहाँ पे देखिए वाज गोइंग, तो ये भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसे आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, तो लिखिए ही, और लिखिए हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, और लिखिए गोइंग, गोइंग, और लिखिए टू, और यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे हर है स्त्री के लिए, तो टू हर, ठीक है, टू हर स्त्री के लिए. अब देखिए द चाइल्ड सेड टू हर मदर आई वाज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखिए द, द चाइल्ड, चाइल्ड, और सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, द चाइल्ड टोल्ड, और लिखिए हर मदर, हर मदर, मदर, और इसके बाद आपको डैट का प्रयोग करना है, डैट, और आई ये फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट आंसर होगा, तो द चाइल्ड के लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, ही, 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 और देखिए वाज प्लेइंग, ये भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है, तो लिखिए ही हैड, और लिखिए बीन, बीन, और लिखिए प्लेइंग, प्लेइंग विथ, विथ, ये माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है द चाइल्ड, तो इसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हिज, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड. अब देखिए दे से टू मी वी वर योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, दे से टू मी, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड, और लिखिए मी, टोल्ड मी, और लिखिए दैट, दैट. अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे दे आएगा, दैट दे. अब देखिए दे वर योर फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है वर का प्रयोग है, लेकिन ये जो है ये पास्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो आप जो है वर को क्या कीजिए, यहाँ पे हैड बीन लगा दीजिए, ठीक है, दे हैड बीन. योर जो है सेकेंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट आंसर होगा, यानी कि मी, मी के लिए जो है माई का प्रयोग कीजिए, ठीक है, दे हैड बीन माई, मी नहीं आएगा, माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स. अब देखिए ही सेड आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तो लिखिए ही सेड, सेड, और यहाँ पे सेड हम नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए चेंज नहीं किए हैं. ही सेड और डैट लिखिए, डैट, ही सेड डैट, और यहाँ पे आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट आंसर होगा, तो लिखिए ही, ही, और देखिए हैड फिनिश्ड द वर्क,
तो ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आपको बताए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हैड ही आएगा, ही हैड फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए राम से टू मी आई हैड इनफॉर्म्ड यू, तो लिखिए यहाँ पे राम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड आएगा, टोल्ड, और लिखिए मी और लिखिए दैट, ये दैट जो है इन्वर्टेड कॉमा के बदले प्रयोग होता है, ठीक है दैट, और यहाँ पे आई ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट आंसर होगा तो राम के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, दैट ही, और यहाँ पे देखिए हैड इनफॉर्म वही है सेम है जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, नो चेंज होगा, तो लिखिए ही हैड इनफॉर्म्ड, और यू जो है ये सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट आंसर होगा तो मी आएगा, इनफॉर्म मी। अब देखिए ही सेड टू मी आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर लिखिए ही सेड टू मी, ऑब्जेक्ट है टोल्ड होगा ना, टोल्ड, और लिखिए मी मी, और लिखिए यहाँ पे दैट दैट, और क्या है आई, तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट आंसर चेंज होगा तो यहाँ पे ही आएगा, दैट ही। अब देखिए यहाँ पे हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे नहीं चेंज होगा, लिखिए हैड ही हैड और बीन लिखिए बीन और लिखिए वेटिंग वेटिंग और लिखिए फॉर फॉर और यू जो है ये सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पे मी आएगा, फॉर मी। अब देखिए दे सेड वी हैड बीन डूइंग फॉर ईयर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे पहले लिखेंगे दे और यहाँ पे सेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही लिखिए, दे सेड और लिखिए दैट दैट और यहाँ पे जो है वी ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट आंसर होगा तो लिखिए दे दे और यहाँ पे हैड बीन डूइंग, देख रहे हैं वैसा ही है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो नो चेंज, यहाँ पे लिखिए दे हैड और बीन लिखिए बीन और लिखिए डूइंग डूइंग और लिखिए फॉर फॉर ईयर्स फॉर ईयर्स। इस तरह से दे सेड टू द गर्ल्स यू डांस्ड वेल, तो यहाँ पर लिखिए दे और देखिए सेड टू द गर्ल्स, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है तो सेड को जो है टोल्ड में बदलिए, टोल्ड और लिखिए द गर्ल्स गर्ल्स और इसके बाद डैट का प्रयोग कीजिए, डैट और यहाँ पे यू यू जो है सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, यहाँ पे जो है ये द गर्ल्स तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कीजिएगा चूंकि ये प्लूरल है तो दे आएगा, दे। यहाँ पे देखिए डांस्ड है यानी कि यू डांस्ड वेल, तो ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसे जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है, दे और यहाँ पे हैड लिखिए, हैड दे हैड डांस्ड डांस्ड और वेल लिखिए वेल, इस तरह से। अब देखिए माय मदर सेड टू माय ब्रदर्स आई वाज मेकिंग टी फॉर यू, तो यहाँ पर लिखिए पहले माय माय मदर मदर और यहाँ पे देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसे टोल्ड में बदलिए, टोल्ड और लिखिए माय ब्रदर्स ब्रदर्स और यहाँ पे डैट लिखिए डैट और आई चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो माय मदर के लिए आप सी का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे लिखिए दैट सी सी और यहाँ पे वाज मेकिंग जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलिए, तो लिखिए सी हैड हैड और बिन लिखिए बिन और लिखिए मेकिंग मेकिंग टी टी लिखिए, यहाँ पे मेकिंग टी टी और लिखिए फॉर फॉर और यू यू जो है ये सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो माय ब्रदर्स, ठीक है तो यहाँ पे माय ब्रदर्स चूंकि प्लूरल है तो देम लिख सकते हैं, देम देम। अब देखिए ही सेड टू मी आई वाज बिजी सो आई डिड नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही लिखेंगे, अब देखिए सेड टू मी ऑब्जेक्ट भी है तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड ही टोल्ड और मी लिखिए मी और लिखिए दैट और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पे ही है तो ही के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है दैट ही और देखिए वाज बिजी, तो वाज बिजी है ये जो है ये वाज है लेकिन ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो वाज को हटाइए और यहाँ पे आप क्या डालिए हैड बीन ही हैड बीन बीन और लिखिए बिजी बिजी और लिखिए सो यहाँ पे आई है तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा तो यहाँ पे ही आएगा ही
अब देखिए डिड नॉट हेल्प यू, यहाँ पे डिड नॉट जो कि जो है ये निगेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। तो ही और यहाँ पे हैड नॉट लिखेंगे, ही हैड नॉट, हैड और नॉट लिखिए, नॉट और लिखिए यहाँ पे हेल्प जो है ना इसे हेल्प लिखना होगा, भी थ्री हेल्प्ड, हेल्प्ड और यू, यू जो है ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो मी है तो यहाँ पे मी ही आएगा, मी। अब देखिए ही सेड आई कुड पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर लिखिए ही और यहाँ देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को नहीं चेंज कीजिए, ही सेड और लिखिए दैट, दैट और यहाँ पे आपको जो है ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही लिखिए ही और कुड का चेंज नहीं होता, लिखिए कुड, कुड और लिखिए पास, पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब देखिए सी सेड इट माइट बी डेंजरस, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं होगा, लिखिए सी और लिखिए सेड, सी सेड और लिखिए दैट, दैट और इट लिखिए, इट का इट ही लिखाएगा, इट, इट और माइट चेंज नहीं होगा, माइट ही रहेगा, एम आई जी एच टी माइट और बी, बी और लिखिए डेंजरस, डेंजरस। अब देखिए द बॉयज सेड टू मी वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द, द बॉयज, बॉयज और देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड और लिखेंगे मी, टोल्ड मी और इसके बाद जो है डैट का प्रयोग करना है, डैट, डैट और देखिए वी ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो द बॉयज, तो इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दे और डिड नॉट, डिड नॉट यानी कि ये जो है देख रहे हैं अंडरस्टैंड, तो ये जो है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो इसे आप पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो लिखिए दे हैड, हैड और लिखिए नॉट, क्या है अंडरस्टैंड जो कि ये जो है ये भी वन है तो इसे आपको जो है भीतर लिखना है, अंडरस्टूड क्या लिखना है, हैड नॉट अंडरस्टूड, यू एन डी आर एस टी डबल ओ डी, अंडरस्टूड और लिखिए द लेसन, लेसन, लेसन। अब देखिए ही सेड टू मी यू शुड हेल्प मी बट आई नो दैट यू विल नॉट हेल्प मी बिकॉज आई नेवर हेल्प यू, तो यहाँ पे पहले आप जो है देखिए यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड जो है टोल्ड में बदलाएगा, लिखिए ही, ही टोल्ड, टोल्ड और मी लिखिए, ही टोल्ड मी और इसके बाद जो है डैट का प्रयोग कीजिए, डैट और यहाँ पे देखिए यू, यू जो है ये सेकेंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट का अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे मी है तो आई आएगा, आई, आई। अब देखिए शुड हेल्प मी तो यहाँ पे शुड चेंज नहीं होता है, आई शुड ही लिखाएगा, आई शुड, आई शुड हेल्प, आई शुड हेल्प, तो यहाँ पे मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो यहाँ पे ही है तो ही के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे यानी कि हिज, हेल्प हिज, हिम होगा, हिज नहीं होगा, सॉरी हिम, हिम और यहाँ पे इसके बाद जो है बट का प्रयोग कीजिए, बट, बट आई, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो यहाँ पे ही आएगा, बट ही। अब देखिए नो डैट तो यहाँ पे ही नो डैट तो ये जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है यहाँ पर देख रहे हैं ही नो डैट तो यहाँ पे न्यू हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बदला जाता है तो ही न्यू, न्यू और लिखिए दैट, दैट जो है ये सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा यहाँ पे मी है तो आई आएगा, आई तो आई के साथ जो है विल नहीं आएगा, आई के साथ सैल आएगा तो सैल की जगह हमें जो है शुड का प्रयोग करना है, आई शुड, आई शुड, आई शुड नॉट, नॉट हेल्प, हेल्प जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा यहाँ पे ही है तो इसके लिए हम हिम का प्रयोग करेंगे, हिम, हिम अब लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज। अब देखिए आई, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे ही आएगा, ही। अब देखिए कौन सा टेंस है, नेवर हेल्प मी तो ये भी जो है ये नेवर हेल्प मी तो ये जो है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो इसे आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है तो ही और लिखिए हैड, हैड नेवर, नेवर और लिखिए हेल्प्ड, हेल्प और यू जो है ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा मी इस तरह से।